नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत करता हूं आपका अपनी YouTube चैनल यंग फार्मर में। किसान भाइयों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि गेहूं की कौन सी किस्म कितना उत्पादन देती है, वो कितनी सिंचाई की हमको आवश्यकता पड़ती है और कितने दिनों में वो पककर तैयार हो जाती है। तो किसान भाइयों, वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। अगर कोई भी सवाल है तो कमेंट जरूर करें। खेती किसानी की ऐसी नई नई वीडियो हमारे चैनल पर आती रहेंगी। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आइए किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं पूसा की वैरायटी, पूसा तेजस 8759, जिसका नंबर है HI 8759। और इसकी अवधि की बात करें तो हम 115 से 120 दिन इसकी फसल अवधि है, मतलब इतने दिनों में पककर तैयार हो जाती है। और इसकी सिंचाई की हम बात करें, कितनी सिंचाई की हमको इसमें आवश्यकता पड़ती है, तो 3 से लेकर के 5 सिंचाई की हमको किसान भाइयों इसमें आवश्यकता पड़ती है। और उत्पादन की हम बात करें तो 30 से लेकर 32 क्विंटल प्रति एकड़ इसका उत्पादन लिया गया है। किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं पूसा मंगल, जो गेहूँ की वेराइटी है, जिसका नंबर है HI 8713। और 125 से 130 दिन इसकी फसल अवधि है, इतने दिनों में पककर तैयार हो जाती है। 4 से 5 सिंचाई की इसमें आवश्यकता पड़ती है। और उत्पादन की हम बात करें तो 25 से लेकर 30 क्विंटल तक इसका उत्पादन लिया गया है। हमने इससे ज़्यादा उत्पादन लिया था किसान भाइयों, 2.5 बीघा के खेत में हमने 45 क्विंटल इसका उत्पादन लिया था। वो काफ़ी अच्छा गेहूँ है। अगर आपके पास पानी की पर्याप्त मात्रा है तो आप इसकी बुआई कर सकते हैं। अगर इसमें पानी की आखिरी में कमी रह जाती है तो इसका दाना छोटा रहता है और उत्पादन पर काफ़ी असर पड़ता है किसान भाइयों। अब हम बात करते हैं पूसा अहिल्या HI 1634, जिसकी अवधि है 110 से लेकर 115 दिनों तक। और 3 से 4 सिंचाई की इसमें आवश्यकता पड़ती है किसान भाइयों। उत्पादन की हम बात करें तो 25 से लेकर 30 क्विंटल प्रति एकड़ इसका भी आप उत्पादन ले सकते हैं। और उत्पादन कम ज़्यादा भी हो सकता है, आप किस तरह इसमें खाद उर्वरकों का प्रयोग कर रहे हैं उस पर भी निर्भर करता है हमारी फसल का उत्पादन। किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं पूसा की एक और वैरायटी, पूसा यशस्वी HI 3226, जिसका नंबर है। और 130 से 135 दिनों में यह पककर तैयार हो जाती है। 4 से 5 सिंचाई की इसको आवश्यकता लगती है। और इसके उत्पादन की हम बात करें तो 25 से लेकर 30 क्विंटल प्रति एकड़ आप इसका उत्पादन ले सकते हैं। इन सभी जो पूसा की वैरायटियां हैं, इनमें पूसा तेजस का उत्पादन ज़्यादा बताया गया है, लेकिन हमने पूसा मंगल का उत्पादन ज़्यादा लिया है, पूसा तेजस का उत्पादन हमें कम मिला है। ज़मीन के ऊपर भी निर्भर करता है किस तरह की मिट्टी है आपकी, जल धारण करने की क्षमता कितनी है मिट्टी में। किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं पूसा मालवी HI 2728, जिसका नंबर है। और इसकी फसल अवधि की हम बात करें तो 120 से लेकर 125 दिन की इसकी अवधि है। और उत्पादन की हम बात करें तो 30 से लेकर 32 क्विंटल प्रति एकड़ इसका उत्पादन लिया गया है। और इसमें सिंचाई की आवश्यकता की हम बात करें तो 4 से 5 सिंचाई की इसमें आवश्यकता लगती है। तो ये किसान भाइयों पूसा की वेराइटियाँ हैं, जिससे आप अच्छा उत्पादन ले सकते हैं अगर आप गेहूँ से पैसा कमाना चाहते हैं। और अगर आपके पास पानी की व्यवस्था अच्छी है, आखिरी तक का अगर पानी है, तो आप इसके पूसा मंगल, पूसा तेजस, इनकी बुआई कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा उत्पादन आपको मिलेगा। किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं रोटी वाला गेहूं 1544 HI 1544, जिसका नंबर है। काफ़ी अच्छी रोटियां इसकी बनती है और मंडी में भी इसका काफ़ी अच्छा भाव मिल जाता है। 2200 से लेकर 2500 तक आप मंडी में बेच सकते हैं इसको। हम भी इसकी बुआई करते हैं। इसमें 2 से 3 सिंचाई की इसमें आवश्यकता पड़ती है। और इससे 110 से 115 दिन इसकी फसल अवधि है। और उत्पादन की हम बात करें तो 20 से लेकर 25 क्विंटल प्रति एकड़ इसका उत्पादन लिया गया है अभी तक। किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं गेहूं की एक वैरायटी लोकवन, जो काफ़ी प्रचलित वैरायटी है, अधिकतर किसान इसकी बुआई करते हैं। और किसी ज़मीन, कोई कोई सी ज़मीन ऐसी रहती है जिसमें रिलाई करने के बाद अगर इसकी बुआई कर दे और एक पानी और निकाल दे इसमें, तो इसका उत्पादन काफ़ी अच्छा मिल जाता है। इसमें ऐसे तो 4-5 सिंचाई वैज्ञानिकों द्वारा बताई गई है और 25 से लेकर 28 क्विंटल प्रति एकड़ इसका उत्पादन बताया गया है। फसल अवधि की हम बात करें तो 100
10 से 125 दिन इसकी फसल आउदी है और काफ़ी अच्छा गेहूं माना जाता है, बहुत डिमांड में रहता है और रेट भी काफ़ी अच्छे मिलते हैं इसके। तो किसान भाइयों, ये है कुछ गेहूं की वेराइटियाँ थी। आप अपनी सिंचाई के और ज़मीन के हिसाब से इसमें से बुआई कर सकते हैं। और आपने बुआई कौन कौन सी फसल, कौन कौन से गेहूं की वेराइटियों की है, कमेंट कर ज़रूर बताएं। कोई भी सवाल हो तो कमेंट ज़रूर करें। खेती किसानी की ऐसी नई नई वीडियो हमारे चैनल पर आती रहेंगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें। कोई भी सवाल हो तो कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।